फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल देसी डिशेस। और आज मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ बेस्ट एंड डिलीशियस गोभी आलू की रेसिपी। देखिए मेरे साथ के गोभी आलू कैसे बनाते हैं, तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने ये गोभी आलू बनाने के लिए एक मीडियम साइज़ की गोभी ली है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और इसके लिए मैंने ये दो आलू लिए हैं, जिनको अभी हम चॉप करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, गोभी आलू बनाने के लिए हमें किस किस सामान की ज़रूरत पड़ती है वो हम देखते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे ये दो टमाटर लिए हैं और 7 से 8 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, और 1 इंच मैंने ये अदरक लिया है। मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया हुआ है, और मैंने 2 हरी मिर्च ली हैं। ये थोड़ी तीखी हैं, अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो और भी ले सकते हैं। मैंने ये 1/2 टेबल स्पून जीरा लिया है, और मैंने ये 1 टेबल स्पून हल्दी पाउडर लिया है, 1 टेबल स्पून मैंने धनिया पाउडर लिया है, 1/2 टेबल स्पून मैंने यहाँ पे ये लाल मिर्च पाउडर लिया है, और आप नमक अपने टेस्ट के अनुसार डाल सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर ये मैंने टमाटर लिया हुआ है, जिसको मैंने छोटे से साइज़ में कट करके रखा हुआ है। ये यहाँ पे मैंने प्याज ली है, जो मैंने लॉन्ग स्लाइस में कट करके रखी है। ये मैंने लहसुन और अदरक का कद्दूकस किया हुआ है। 2 हरी मिर्च कट करके रखी हैं, और जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने हरा धनिया पत्ता भी लिया हुआ है। तो चलिए देखिए फ्रेंड्स, हमने अपने ये गोभी आलू चॉप कर लिए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने गोभी को ज़्यादा मोटा कट नहीं किया, बिकॉज हम फ्राई गोभी आलू बनाने वाले हैं, और जब आप मोटा कट करेंगे तो इतनी जल्दी फ्राई नहीं होगा, टाइम ले लेगा। इसी तरीके से मैंने अपना आलू भी ज़्यादा मोटा कट नहीं किया है, और इसलिए मोटा कट नहीं किया, बिकॉज ये जल्द से जल्द फ्राई हो जाएगा। तो चलिए पहले हम इसको फ्राई करते हैं। इसमें मैंने थोड़ा 2 टेबल स्पून ऑयल लिया है, मैंने सरसों का ऑयल लिया है, कोई सा भी ले सकते हैं। इसको हम थोड़ा सा गर्म करेंगे, उसके बाद जो हमने अपने जो गोभी आलू चॉप करके रखे हुए हैं वो हम इसमें डालेंगे। ठीक फ्रेंड्स, मैंने ये ऑयल में अपने गोभी आलू डाल दिए हैं फ्राई होने के लिए, और आप देख सकते हैं। और अभी मैं इसमें हल्का सा सॉल्ट डालूंगी, बिकॉज उससे टेस्ट थोड़ा सा अच्छा आ जाता है। आप सॉल्ट का थोड़ा सा ध्यान रखें, बिकॉज जब आप मसाले में गोभी आलू को डालेंगे तो उसमें भी नमक की जरूरत पड़ेगी। देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसे ढक करके रख देंगे, और 5 मिनट बाद हमको एक बार फिर से चेक करना है। और इस तरीके से हमने ये पूरा ढक दिया है, और इसको हमें स्टीम पर ही पकने देना है। तो अब हम इसे 5 मिनट बाद देखते हैं। 2 से 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। देखिए ये थोड़ा सा गोल्डन गोल्डन होने लग गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं, बट अभी ये पूरी तरीके से पका नहीं है। इसलिए अब हमें फिर से इसको हम 5 मिनट के लिए मीडियम बिल्कुल स्लो फ्लेम पर ढक करके रख देते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारे 5 मिनट हो चुके हैं, अब हम अपने गोभी आलू को देखेंगे। देखिए ये बहुत ही अच्छी तरीके से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इसको कट करके देखते हैं। देखिए ये काफी आराम से कट हो रहा है। देखिए तो अभी आप अपना प्लेट बंद कर दीजिए, अब हम इसको निकाल लेंगे। जैसा कि फ्रेंड्स, हमारे गोभी आलू फ्राई हो चुके हैं, अब हमने इसका मसाला तैयार करने के लिए यहाँ पे एक बड़ा चम्मच ऑयल लिया है, इसको गर्म होने तक वेट करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने थोड़ी सी हींग ली हुई है, अभी मैं हींग इसमें डालूंगी। मैंने ये थोड़ा सा जीरा लिया हुआ है, 1/2 टेबल स्पून। मैंने ये थोड़ी सी प्याज ली है, जो कि मैंने लॉन्ग स्लाइस में प्याज कट करके रखी हुई थी, अभी हम इसमें इस प्याज को डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्याज के साथ साथ हमने इसमें अपना अदरक और लहसुन का कद्दूकस किया हुआ पेस्ट भी डाल दिया है, और जो हमने हरी मिर्च कट करके रखी थी वो भी हमने डाल दी है। अब हम इसे 2-3 मिनट तक इसी तरीके से फ्राई करेंगे। देखिए फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा ये जो प्याज और लहसुन का जो मिक्सचर है वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें जो हमने अपने जो टमाटर कट करके रखे हुए थे, अभी हम इसमें वो डालेंगे। देखिए फ्रेंड, हमने अपने टमाटर इसमें डाल दिए हैं, अब हम इसी तरीके से इसे मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे 2-3 मिनट तक। देखिए फ्रेंड्स, हमारे अब जो टमाटर हैं वो अच्छे से पकने लग चुके हैं,
अब हमने जो मसाला अपना रखा हुआ था अब हम उसको डालेंगे। ये मैंने 1 टेबल स्पून हल्दी लिया हुआ है, ये मैंने 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया हुआ है, मैं 1/2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर लिया है। मेरी मिर्च थोड़ी तीखी है, अगर आपको तीखा पसंद है तो आप डाल सकते हैं। ये मैंने 1/2 टेबल स्पून नमक लिया हुआ है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। हम इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। हम इसको इसी तरीके से 2-3 मिनट तक पकने देंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ये जो मसाला है वो अच्छे से पक चुका है और आप देख रहे हैं साइड से ये मसाला तेल भी छोड़ने लग गया है। अब हम इसमें ऊपर से थोड़ा सा ये गरम मसाला डालेंगे। ऊपर से गरम मसाला डालने से इसका जो टेस्ट है वो बना रहता है। अब हमने गोभी आलू जो फ्राई करके रखे हुए थे अब हम इसमें डालेंगे। इसको हम अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। हमारे जो गोभी आलू है वो अच्छे से मिक्स हो चुके हैं जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। और हमने ये थोड़ी सी कसूरी मेथी दी है, इसको हम मैश करके सब्जी में अच्छे से डालेंगे। इसी तरीके से आपको भी डालना है। अब हम इसको फिर से मिक्स करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारी जो गोभी है बनके एकदम रेडी हो चुकी है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ये जो गोभी आलू है वो एकदम बन करके रेडी हो चुके हैं और मैंने इसे हरे धनिये पत्ते से डेकोरेट भी कर दिए हैं। देखिए, देखने में जितनी डिलीशियस लग रही है आपको उससे कहीं ज़्यादा खाने में भी लगेगी। आप अपने घर पर एक बार ट्राई ज़रूर करें और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।